दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एनईबी थाना पुलिस ने राजगढ़ के तबेला निवासी मनीष सैनी को गिरफ्तार किया है। ठगी में शामिल 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के आलमशाह निवासी रवि कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए फॉर्म भरा था। 2 दिसंबर 2020 को हुई परीक्षा में उसके केंद्र मॉडर्न स्कूल नॉर्थ कैंपस निजारा रोड था। रिपोर्ट में कहा गया कि राजगढ़ के तबेला निवासी मनीष सैनी, कनेटी निवासी धर्मचंद मीणा और मोहन मीणा से पैसे लेकर पेपर करवाने की बात चल रही थी। इन लोगों ने पेपर के समय आंसर की उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी। सौदा 8 लाख रुपए में तय हुआ था। 1 दिसंबर को वह परीक्षा देने अलवर आया। तीनों लोग उसे हनुमान सर्किल पर मिले। इन्होंने दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर की आंसर शीट उपलब्ध करवाने के लिए 4 लाख रुपए एडवांस मांगे थे। इस पर उसने गाँव के व्यक्ति के जरिए 4 लाख रुपए मंगवा कर उन्हें दे दिए। पैसे देने के बाद वह 2 दिसंबर को परीक्षा देने गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने पैसे लेने के बावजूद परीक्षा में उसकी कोई मदद नहीं की। परीक्षा देकर वापस लौटने पर तीनों लोगों से सहायता नहीं करने की बात कही और पैसे लौटाने के लिए कहा तो इन लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया। कल दिनांक 2/12 को शाम को एक व्यक्ति रवि सुनो हरिराम यादव निवासी आलमशाह नगर भरतपुर ने रिपोर्ट पेश की कि मुझसे 3 व्यक्तियों की बातचीत दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर को लेकर चल रही थी, जिसमें 10 लाख रुपए मांगे और बातचीत के दौरान 8 लाख रुपए में सौदा तय हो गया और फिर उन्होंने 4 लाख रुपए एडवांस मांगे आंसर की उपलब्ध कराने के बाद। कल उसने अपने घर वालों से बात की और घर वालों ने एक व्यक्ति को 4 लाख रुपये लेकर भेजा, जिससे उन व्यक्तियों ने 4 लाख रुपये ले लिए और वो लड़का पेपर देने चला गया। पेपर में कोई सहायता नहीं होने पर उस लड़के ने वापस उससे पैसे लेने चाहा, वो लोग फरार हो गए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर तुरंत अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी सहायता थाना एनईबी और डीएसपी की तरफ से कार्रवाई करते हुए 1 मुजरिम को गिरफ्तार किया गया, जिससे 4 लाख रुपये बरामद कर लिए। अनुसंधान जारी।